हर हर महादेव शंकर पार्वती ओम नमः शिवाय ओम गम गणपते नमः। कैसे मित्रों आप सभी, 53वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, शिव महापुराण का पाठ चल रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सती और शिव का विवाह हो चुका है। सती देवी ने पिछले अध्याय जैसा कि हमने जाना शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु आप कृपा कर मुझे जीवन और परमार्थ के बारे में बताएं। महादेव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने बताया। आज का जो अध्याय है ये शिव पुराण का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, 24वां अध्याय रुद्र संहिता, जिसमें शिव जी और राम जी के बारे में कथा आती है। तो शुरू करते हैं। दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्रह्मन विधे प्रजानाथ महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां रहकर कौन कौन से कार्य किए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौक की गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने के लिए है, लौकी की गति यानी कि जिस लोक में रह रहे उस तरह से विचरण करना, क्योंकि देवताओं का एक वर्ष में तो कितने सारे इंसानों का जीवन समाप्त हो जाए, ठीक है। तो लोक की गति, उस लोक में जो गति है उसके आधार पर शुरू करते फिर से। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हुए हैं। शक्ति और शक्तिमान है तथा चित स्वरूप है, फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः महादेव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। अज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे और क्यों किया, इसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके इस महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूं।
यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही पर ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते थे, जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सीता को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश, पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन, कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभो, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें यह उचित नहीं जान पड़ता। माता सती ने यह बहुत अच्छी एक बात पूछी है। शंकर महादेव जिनको समस्त संसार पूजता है, वह एक साधारण से इंसान को देखकर आनंद विभोर हो गए, प्रणाम कर उठे। तो वो कहती हैं कि सेवक को प्रणाम क्या मालिक करता है? नहीं। कितनी अच्छी और तत्व की बातें हमारे पुराणों में जानने को मिलती है। तो जानते हैं आगे शिव जी क्या कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य विद्वान दशरथ के यहाँ पर हुआ, यानी कि सूर्यवंश में। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष यानी कि शेषनाग के अंश हैं। उनका नाम है लक्ष्मण। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हों, उपद्रव से इनसे दूर ही रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छी और सटीक बात कही गई है। श्री राम भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे, पूर्ण अंश की बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस बात पर विश्वास नहीं हुआ।
क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यों बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए भय करो, तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम का कैसे परीक्षण करूं, कैसे परीक्षा लूं उनकी। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं, यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान शंभु कहाँ गए हैं, आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई, देवी आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है, मुझ पर कृपा करके इस कारण को बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन कर प्रसन्नचित हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली, अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते तुम मेरी बात सुनो, मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ सी आ गई। मुने आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। कितनी अच्छी कथा है। यहाँ पर हमें केवल एक पुराण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, यहाँ पर एक पति पत्नी के विषय में भी जानकारी मिलती है कि जहाँ पर एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि आप तो मालिक हैं, आप किसी सेवक को क्यों नमस्कार करते हैं, और पति उन्हें आज्ञा देते हैं कि जाओ तुम खुद जा करके देखो कि वह व्यक्ति कौन है। कैसा तो यह अद्भुत प्रेम है, और कैसे दो
विश्वात्मा दो ऐसे विधाता जो पालन करते और संहार करते हैं एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। नहीं तो सोचिए कि जो पालन कर रहा है, जैसे कि आप किसी बच्चे का लालन पालन कर रहे हो और कोई आकर के उसे मारता है, आपको तो क्रोध आना चाहिए ना। नहीं, यहां तो उल्टा है। विष्णु के आराध्य शिव और शिव के आराध्य विष्णु, कितनी अच्छी बात कही गई है और कितने काव्य रूप में बताया गया है कि नील कमल के समान आभा वाले। जितना ही हम इस पुराण को पढ़ते हैं उतनी हमारी जिज्ञासा और बढ़ती है, पर एक ही दिन में सब कह पाना, उसे व्याख्या कर पाना, इतना तो मेरे लिए संभव नहीं है। तो आप सबसे मैं आज्ञा मांगता हूँ, यदि मेरे द्वारा कोई गलती भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हर हर महादेव, संग गौरा पार्वती, हम सबका कल्याण करें। धन्यवाद।